हेलो, आज हम करेंगे फिटर फुल थ्योरी कोर्स। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ट्विस्ट ड्रिल प्लस बोरिंग के बारे में। ठीक है, आज ड्रिल मशीन के बारे में हम पढ़ेंगे, ट्विस्ट ड्रिल मशीन प्लस बोरिंग। क्या होता है ये ट्विस्ट, ये किस चीज़ में काम आती है? ये हमारे बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। ठीक है, इसका मैं आपको बताती हूँ, इसका फिगर बनाते हैं। ट्विस्ट थ्योरी का हम फिंगर, ये हो गया हमारा, ट्विस्ट थ्योरी। ठीक है, ये हो गया हमारा ड्रिल मशीन, ये होता है हमारा टैंक, ये हमारा सैंग, ये जो होता है इसका ट्विस्ट ड्रिल, इसके द्वारा मशीन में पकड़ा जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा फ्लूट्स, FLUITS फ्लूट्स, ये हो गया हमारा नेक, NECK नेक, ये हो गया हील, ये हमारा हो गया लैंड, या इसको बोल सकते हैं हम मार्जिन, मार्जिन। ठीक है, ये होता है हमारा कटिंग, कटिंग एज। ओके, इसको हम लिप भी बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में किया जाता है, ये इसको बोलते हम ट्विस्ट ड्रिल मशीन। ये हमारे सब्जेक्ट में इसका क्वेश्चन आंसर बहुत सारे आते हैं, इसके उससे हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें ट्विस्ट ड्रिल टूल क्या होता है? ये कटिंग टूल होता है। ठीक है, ये हमारा ट्विस्ट ड्रिल मशीन क्या होता है? यह एक कटिंग टूल है। ठीक है, इसका इस्तेमाल जी फ्लूस होता है। अब मैं आपको बताऊंगी इसके टैग के बारे में। टैग क्या होता है? टैग हमारा होता है यह भाग केवल
टेपर सेंक ड्रिल में होता है। यह ड्रिल मशीन के स्पिंडल में बनाए स्लॉट के फिट होती है। टेपर सेंक ड्रिल को मशीन स्पिंडल के बाहर निकालने के ड्रिल शिफ्ट के द्वारा इसका भाग चोट लगाई जाती है। ठीक है, ये होता है हमारा टैग का। इससे हम क्या करते हैं, इसको नीचे दबाते हैं तो ये हमारा ये फिर घूमता है, घूमने से ये हमारा होल होता है। ठीक है, टैग आई मैंने बताया टैग का। टैग क्या होता है, यह भाग केवल सेंक ड्रिल में होता है। यह ड्रिलिंग मशीन के स्पिंडल में बने शॉल्ट में फिर शॉल्ट में बना होता है। टैपर सेंक ड्रिल मशीन स्पिंडल से बाहर निकालने के लिए ड्रिल ड्रिफ्ट के द्वारा इसी भाग पर चोट लगाई जाती है। ठीक है, ये हो गया हमारा ड्रिल का टैग। ठीक है, इसमें मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं, स्प्रेल कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं, हाई स्पीड स्टील होता है, हाई कार्बन स्टील होता है, टूल स्टील होता है, हमारा कार्बन स्टील होता है। इसमें हमारे सब स्टील्स के काम किए जाते हैं। ठीक है, फ्लूट्स क्या होता है, फ्लूट्स का काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है हमारा फ्लूट्स का, इसका होता है हमारा चिप्स काटने के लिए। ठीक है, चिप्स को निकालने के लिए रास्ता देना होता है, और स्नेहन के लिए होता है। क्या होता है ये हमारा फ्लूट्स। अब आएगा हमारा ये सेंक। सेंक क्या होता है, सेंक हमारा होता है, सेंक के बारे में मैंने आपको बताया। सेंक क्या होता है, ड्रिल का वह भाग जिसमें ड्रिल को ड्रिल चक में ये ड्रिल मशीन में स्पिंडल के सीधे तौर पर फिट किया जाता है। ठीक है, इसे सेंक कहते हैं। इसमें निम्नलिखित प्रकार के ये होते हैं, एक होता है हमारा स्ट्रेट सेंक, सेकंड होता है हमारा टैपर सेंक, रेचिट सेंक, और फोर्थ हो गया हमारा बीट सेंक। ये जो स्ट्रेट सेंक होते हैं हमारे, ये पैरल सेंक भी कहते हैं। ये ड्रिल चेक की, ये जो होता है हमारा सेंक, ये ड्रिल सेंक के ऊपरी भाग के टैक होती है, मतलब ये ऊपरी भाग के हमारे टैक होती है, ये इससे अटैच होती है। ठीक है, यह बड़े साइज के ड्रिल में होती है। जितना बड़ा हमारा ड्रिल मशीन होगा उतने साइज में ये दिखाई देती है। ठीक है, आमतौर पर स्ट्रेट सेंक ड्रिल मशीन ये 12
ये जो होती है हमारी 12.55 मिलीमीटर में मिलीमीटर के व्यास में होता है, व्यास में होता है, ठीक है। जबकि इसके ऊपर टेपर सैक भी होता है, टेपर सैक ड्रिल के 6 मिलीमीटर, ये जो टेपर सैक का ये होता है ये 6 मीटर के ऊपर उसमें बड़े साइज के ड्रिल में होता है। टेपर सैक मशीन स्पीडल में सीधे फिट होती है, यह मॉड टेपर में होती है जो MTO MTS तक के साइज में होती है। रेचेट सैंक भी बीट सैंक दोनों ही टैपर स्क्वायर होती है। इसके प्रयोग रेटेस बेस में किया जाता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ये सैंक क्या होता है हमारा, ये हमारा आता है लेबल सैंक, ये होता है हमारा टैपर सैंक, ये हमारा किस में आता है टेपर सैंक, किस में आता है हमारा मोर्स टेपर, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था ये कौन कौन से उसमें होता है, फर्स्ट हो गया हमारा, फर्स्ट क्या हो गया हमारा स्ट्रेट स्ट्रेट सैंक, फर्स्ट हमारा हो गया स्ट्रेट सैंक STRAIGHT स्ट्रेट सैंक। सेकंड हो गया हमारा टैपर टैपर सैंक, टैपर सैक। थर्ड हो गया हमारा रेचिट रेचिट सैंक, रेचिट सैंक। फोर्थ हो गया हमारा बीट सैंक, बीट सैंक, ये इसके हो गए प्रकार, ठीक है। इसके हमारे इसके बारे में मैंने आपको बता दिया सैंक के बारे में, इसमें क्या क्या होता है। ये हमारा स्ट्रेट सैंक, सेकंड हो गया हमारा टैपर सैंक, थर्ड हो गया हमारा रेचिट सैंक, फोर्थ हो गया हमारा बीट सैंक, ठीक है। फिर आता है, फिर इसके बाद आता है हमारा नेक। नेक क्या होता है, ये नेक, नेक क्या होता है हमारा, नेक होता है हमारा यह भाग भी केवल टैपर सैंक ड्रिल में होता है। ये सैंक और बॉडी के बीच में प्लेन स्लिडिकल भाग होता है जिस पर ड्रिल का साइज लिखा होता है, ड्रिल का मटेरियल लिखा होता है। आई मैंने आपको बताया था ड्रिल के मटेरियल्स कौन कौन से बताए थे मैंने आपको, फर्स्ट बताया था मैंने, इतना पता चल गया है सैंक का। ड्रिल्स के वो बताती हूँ मैं आपको, मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं। इसके मटेरियल्स मटेरियल्स मटेरियल कौन कौन से हैं, फर्स्ट हो गया हमारा हाई स्पीड स्टील, सेकंड हो गया हमारा हाई कार्बन स्टील
थर्ड हो गया हमारा टूल स्टील, फोर्थ हो गया हमारा कार्बन, कार्बन स्टील, ठीक है। ये हमारे हो गए मटेरियल्स इसके नेक के। कौन कौन से मटेरियल्स हो गए हमारे? हाई स्पीड स्टील, हाई कार्बन स्टील, टूल स्टील और कार्बन स्टील, कार्बन स्टील। इसके बाद आ गया हमारा फिर बॉडी। बॉडी में क्या होता है हमारा? जिस ड्रिल का भाग फ्लूट कटे होते हैं उसे बॉडी कहते हैं। ड्रिल के निम्नलिखित भाग होते हैं, कौन सा होता है? फ्लूट, मार्जिंग, लैंड, बॉडी। ये कौन सा होगा? ये हो गया। कौन कौन से होता है? लैंड हो गया, फ्लूट्स हो गया, कटिंग टूल्स हो गया। ये हमारे हो गए बॉडी के पार्ट्स। कौन कौन से बताए अभी मैंने? ये बॉडी का बेब हो गया, ठीक है, लेड और बॉडी। फिर हो गया हमारा फ्लूट्स। फ्लूट्स क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया फ्लूट्स के बारे में। क्या बताया मैंने आपको? यही चीज कि यह कटिंग एज बनते हैं ड्रिल के, ये बॉडी के घुमावदार कटे होते हैं, इन्हें फ्लूट्स कहते हैं। फ्लूट्स में क्या क्या होता है? फ्लूट्स, फ्लूट्स का क्या काम होता है? फ्रूट्स का क्या काम होता है? फ्रूट्स का काम होता है हमारा चिप्स को निकालने के लिए रास्ता देना होता है। इसकी बात कर रही हूँ मैं फ्रूट्स की। सेकेंड हो गया हमारा स्नेहा, स्नेहन के लिए, स्नेहन के लिए। ठीक है, ये हो गया हमारा फ्लूट्स का। क्या क्या होता है हमारे फ्लूट्स में? अभी मैंने बताया ये एक हो गया हमारे चिप्स को निकालने के लिए रास्ता देना होता है और स्नेहक के लिए होता है। इसके द्वारा चिप्स बाहर आसानी से निकाले जा सकते हैं। इसकी सहायता से कूलेंट पॉइंट तक पहुंचता है, ठीक है। लैंड क्या होता है? अभी मैं आपको बताती हूँ लैंड, लैंड क्या होता है इसके बारे में। लैंड क्या होता है? लैंड, लैंड क्या है हमारा? इसका काम पूरी ड्रिल को जॉब में रगड़ खाने से बचाने से लैंड या मार्जिन के द्वारा व्यास व्यक्त किया जाता है। सॉरी, क्या होता है ये हमारा? इसके बारे में बता रही हूँ मैं आपको, लैंड के और मार्जिन के। लैंड इसका काम पूरी तरह ड्रिल को जॉब में रगड़ने खाने के बचाने के
लिए होता है लैंगिया मार्जिन को द्वारा व्यास व्यक्त किया जाता है, ठीक है। और फ्लूट के ये दोनों फ्लूट के बीच में पूरी लंबाई में जो भाग होता है उसे लैंड कहते हैं। फिर हो गया हमारा मार्जिन। मार्जिन क्या होता है, इसी का ये दूसरा हमारा मार्जिन। मार्जिन क्या होता है, मार्जिन लैंड के ऊपर जो चमकीली रेखा होती है, इसकी ये जो ऊपर चमकीली रेखा होती है उसे मार्जिन कहते हैं। ड्रिल का व्यास मार्जिन से मापा जाता है। ड्रिलिंग करते समय ये सतह को छूता रहता है। मार्जिन की चौड़ाई या व्यास 2 मिलीमीटर तक रखी जाती है। ये जैसे हम व्यास का करेंगे तो इसकी ये जो होगी चौड़ाई लंबाई तो इसके बीच में रखा जाता है। बॉडी क्लियरेंस, ठीक है, क्या होता है बॉडी क्लियरेंस, लैंड का मार्जिन, इसके बारे में बता रही हूँ मैं। बॉडी क्लियरेंस का क्या होता है, लैंड का मार्जिन को छोड़कर शेष भाग को बॉडी क्लियरेंस कहते हैं। ये भाग ड्रिल कहते हैं समय सुराख की सतह पर एक साथ स्पर्श नहीं करता है, जिसके घर्षण कम लगता है। ड्रिलिंग करने में आसानी रहती है। ये ड्रिल के व्यास में कम साइज का होता है। अब क्या आएगा हमारा पॉइंट। पॉइंट क्या होता है, पॉइंट ड्रिल का वह भाग जो दोनों कॉनिकल सतह पर आपस में आकर मिलती है उसे पॉइंट या डेड सेंटर या चीजल एज कहते हैं। इसके निम्न भाग होते हैं। फर्स्ट क्या होता है हमारा पॉइंट एंगल, सेकंड हो गया हमारा कटिंग एंगल एज, थर्ड हो गया हमारा हील, फोर्थ हो गया हमारा चीजल या कोण। अब आ गया हमारा पॉइंट एंगल। पॉइंट एंगल क्या होता है, ड्रिल व पॉइंट। अब एंगल के बारे में बताती हूँ मैं आपको। ये हमारा एंगल हो गया, ये हमारा हो गया हेलिक्स एंगल, इसको अल्फा से किया जाता है और इसको बीटा से। ये हमारा ट्विस्ट ड्रिल कोण है, क्या होता है ये हमारा फर्स्ट हो गया हमारा हीलिंग और रैक एंगल, इसका क्या होता है ये फ्लूट्स लैंड का जो कोण ड्रिल के एक्सिस के साथ बनते हैं वही कोण रैंक कहलाता है, ठीक है। इसको गामा से दिखाते हैं, क्या होता है हमारा ये गामा इक्वल टू 18-45 डिग्री। और सामान्यता कितनी होती है इसकी, सामान्यता स्कल टू 30 डिग्री।
इसमें क्या क्या होता है, ये होता है ट्विस्ट ड्रिल के कोण। इसका कोण का बता रही हूँ मैं आपको, ये हेलिक्स और रैंक एंगल होता है। फर्स्ट क्या होता है, ये हमारा फ्लूड स्लैंड एंड का जो कोण ड्रिल के एक्सिस के साथ बनते हैं वह कोण रैंक का कहलाता है। इसको हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। इसका क्या होता है, अल्फा इजकल टू 18 इजकल टू -45 डिग्री सेल्सियस। सामान्यता कितनी हो गई हमारी, 30 डिग्री। फिर हो गया हमारा ये क्लियर रेंज एंगल। यह कोण, यह कोण क्लियर क्लियर फेस को पीछे की ओर एक वक्र में टैपरित करके बनाया जाता है इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और इसका क्या होता है, ये वी वैल्यू इक्वल टू 8.12 डिग्री ठीक है। फिर हो गया हमारा वेज एंगल, इसकी वैल्यू अल्फा और गामा के मान पर निर्भर करती है। क्या होता है ये हमारा क्लियर एंगल, कौन सा होता है हमारा एंगल, यह कौन क्लियर फेस को पीछे की ओर एक वक्र में टैपरित करके बनाया जाता है, इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। और फिर हो गया हमारा इसका वैल्यू कौन सी कितनी होती है हमारी, 8-12 डिग्री सेल्सियस। फिर हो गया हमारा वेज एंगल, इसकी वैल्यू अल्फा और गामा के मान पर निर्भर करती है ठीक है। लीजिए कार्य के आधार पर ड्रिल का चयन, क्या क्या होता है हमारा एन टाइप यह सामान्यता कार्य के लिए जनरल प्रपोज ऑफ वर्क ठीक है।
एच टाइप क्या हो गया हमारा, स्कल टू, ये होता है हमारा कठोर पदार्थों के लिए, जैसे पैकलाइट, कठोर रबड़, संगमरमर, कोयला। अब हो गया हमारा एस टाइप, इसमें क्या होता है हमारा अल्फा एल्युमिनियम, प्लास्टिक, मुलायम धातु के पदार्थ के लिए। ठीक है, ये हेडिंग आपने डाल ली कार्य के आधार पर ड्रिल का चयन, कौन कौन सा होता है हमारा। एन टाइप क्या हो गया हमारा, सामान्य कार्य के लिए। एच टाइप क्या हो गया हमारा, कठोर पदार्थ के लिए, जैसे हमारा हो गया बेकलाइट, कठोर, संगमरमर, कोयला। एस टाइप क्या हो गया हमारा, एस टाइप में होता है अल्फा एल्युमिनियम, प्लास्टिक, मुलायम धातु के पदार्थों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब आता है हमारा कटिंग एज। कटिंग एज के बारे में अभी मैंने आपको बताया था, ड्रिल के कटिंग एज को लीप भी कहते हैं, इसको कटिंग एज को हम लीप भी कहते हैं। ठीक है, कटिंग लेज क्या होता है इसके बारे में बता रही हूँ मैं। कटिंग एज क्या होता है हमारा, कटिंग एज होता है हमारा ड्रिल के कटिंग एज को लीप भी कहते हैं। ड्रिल में यदि दो फ्लूट स्टड्स होते हैं तो दो कटिंग एज बनते हैं। जब इसके हमारे ये दो वो बनते हैं तो ये दो एज बनते हैं ड्रिल में, यदि एज बनते हैं ड्रिल का कटिंग एज, कटाई करने वाला जो वह किनारा होता है उसको मार्जिन लाइन शुरू होती है। ड्रिल में कटिंग एज की लंबाई व कोण बराबर होते हैं। ड्रिल की लीप कोण की साधारणता 59 क्या होती है, ये 59 डिग्री होता है। ठीक है, फिर होता है हमारा लीप क्लियर लेंस। क्या होता है लीप क्लियर लेंस, ये पॉइंट की वह सतह होती है जो कटिंग एज में क्रमशः ड्रिल टू इसका लीप क्लियरेंस कोण 8 डिग्री से 12 डिग्री तक होता है। यह नर्म धातुओं के लिए अधिक और कठोर धातुओं के लिए कम रखा जाता है। ठीक है, इसका होता है हमारा ड्रिल का ठीक है। फिर हो गया हमारा हील, हील के बारे में, ये हील्स। हील्स क्या होती है, हील्स कटिंग एज में ठीक पीछे, इसके जो कटिंग एज होता है उसके ठीक पीछे पीछे के पॉइंट के भाग को हील कहते हैं। ये कटिंग करते समय जॉब की सतह को नहीं छूता है। जब ये कटिंग करते हैं हम इसके सतह को बिल्कुल भी नहीं छूता है। फिर उसके बाद आता है हमारा बैब, बैब इसके बारे में बता रही हूँ मैं बैब के। ठीक है, बैब का क्या होता है, बैब क्या होती है हमारी, ड्रिल की धुरी पर, ये धुरी होती है हमारी दूरी। ठीक है, इस पर क्या होता है हमारा, दोनों फ्लूट्स के बीच में जो धातु बचती है उसे बेब कहते हैं। जो धातु हमारी बचती है इसके और इसके बीच में उसको बेब कहते हैं। ठीक है, यह पॉइंट के सैक की तरफ मोटी होती है। ये जो हमारा सैंक होता है इसकी तरह ये मोटी होती है। ठीक,
फिर आता है हमारा सीजल। सीजल क्या होता है हमारा? सीजल कटिंग लीफ में सीजल एज के मध्यम जो कोण होता है उसे सीजल एंड एंगल कहते हैं। ये 120 डिग्री और 135 डिग्री होता है, ये बेब एंगल भी कहा जाता है। ठीक है, फिर हो गया हमारा हेलिक्स एंगल। अभी मैंने आपको बताया ये हेलिक्स एंगल के बारे में, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको हेलिक्स एंगल क्या होता है। ये फ्लूट्स एंगल, रैंक एंगल भी कह जाता है। ठीक, अभी मैंने इसके बारे में बताया आपको एन टाइप, एस टाइप, एस टाइप। ठीक, टाइप ड्रिल का हेलिंग कोण 10 डिग्री से 13 डिग्री, एन का हो गया हमारा टाइप डिग्री हेलिक्स कोण का 80 डिग्री से 30 डिग्री, और एस टाइप की ड्रिल का हेलिक्स कोण होता है हमारा 35 डिग्री से 40 डिग्री। ठीक, कल हम करेंगे पॉइंट एंगल। आज हमने किया इसके ट्विस्ट एंगल के बारे में, हमने आपको बताया ट्विस्ट एंगल में क्या 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 होता है, किसके लिए हम इस्तेमाल किया जाता है। ओके, ये हमारी ट्विस्ट, ये जो ट्विस्ट एंगल होता है ये हमारी ट्विस्ट ड्रिल मशीन, इसके लिए, इसके मैंने आपको पूरे पार्ट्स बता दिए क्या क्या होता है।